हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग। तो आज मम्मी पापा मैं हम सब आए हैं नागालैंड, और नागालैंड में डिमापुर पे आए हैं। टेक्निकली नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, बट यहाँ पे जो डिमापुर है ये मेनली जगह जो है यहाँ पे मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। ये जितनी मेनली ऑफिस है बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पे ही है सारे। तो नागालैंड क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो आज हम आए हैं यहाँ पे कछारी रुइंस। तो ये जो स्थान है यहाँ पे महाभारत रिलेटेड से ये कनेक्शन है इसका, क्योंकि महाभारत में जो भीम थे, आप पता है आपको, तो भीम की जो पहली पत्नी थी हिडिम्बा राक्षस। तो हिडिम्बा की जो परिवार थे या उनका जो वंश था वो नागालैंड से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इनका जन्म स्थल है। ये अलग बात है, घास फूस उड़ के बहुत ज़्यादा मेंटेन किया नहीं इन लोगों ने। तो आइए देखते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या है इस जगह में। तो मैं हूँ अनिर्बन, आप देख रहे हैं चक्स व्लॉग्स, लेट्स एक्सप्लोर। तो ये हमने ले ली यहाँ से एंट्री। ये रास्ता ख़राब हो गई कि बारिश हुई थी, और यहाँ पे एंट्री फीस कुछ नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ये जगह देखा सुनो, এটা এনে ভীম আর ঋষি ঘটোৎকচ চেস খেলতো এখানে। এই যে এগুলো এগুলো দিয়ে এগুলো ভেঙে গেছে, স্ট্রাকচার খারাপ হয়ে গেছে। এগুলো হ্যাঁ এগুলো উঠাতো, তো হাইট বুঝুন তো বেশি বেশি থাকতো না। তো ইয়ে হিডিম্বা রাক্ষসী জো ভীম কি পত্নী, মতলব পহলি পত্নী টেকনিক্যালি, আর ঘটোৎকচ কি মম্মি, ইনকে বংশ যাহা রেতে থে। यहाँ से हमने ले ली एंट्रीज गेट से, जैसे यहाँ दिखा है, यहाँ पे एंशेंट गेट या जो भी चीज़ें है, टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ के यहाँ पे दिखाया गया है। ये चीज़ है, इतना कुछ खास नहीं है, बट यही है कि जन्म स्थल है यहाँ पे, अपने महाभारत से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ आए हैं। और जैसे मैंने पापा को भी बताया कि ये जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से चेस खेलते थे, मतलब कहते हैं ये कि भीम घटोत्कच इस चीज़ से चेस खेलते थे। ऐसे तो अभी समझ में, ये सबको एक ही स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन पहले कहते थे कि मतलब स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के इसमें बनाए हुए थे, जैसे शतरंज में चेस में जो होते हैं उस हिसाब से शिप्स बनाया हुआ था। पहले कुछ ज़्यादा क्लीन थी, अब पता नहीं खास हुआ, एकदम मेंटेन करके रखते ही नहीं ये चीज़ को। ये जो गेट देख रहे हैं ये है एंशियंट गेट। ये गेट से मतलब ये मेन एंट्री गेट था, यहाँ पे महल होते थे। तो यहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में या असम में या अलग अलग जगह में जो बहुत लड़ाई हुई थी पहले के ज़माने में, 1800s 1900s लड़ाई हुई थी, तब में जो महल था उन वो किसी कारण पे उन्हें तोड़ दिया गया था। तो इस ये जो गेट देख रहे हैं एंशियंट गेट, यहाँ से एंट्री होती थी महल के लिए। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे चेस खेलते थे सब जगह। तो जैसा आपको लग रहा होगा कि बहुत कोमल सा पत्थर है, बहुत सॉफ्ट, ऐसा कुछ नहीं, बहुत भारी भरकम पत्थर थे। उस तरह भी कुछ है, वहाँ पर भी जाएंगे। यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं, मेनली हरियाली ही दिख रही है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि मेंटेन जैसे पहले बताया आपको, मेंटेन करके रखे नहीं है इन लोगों ने। तो उस तरफ जो है मैंने बताया आपको, जैसे कि भीम और घटोत्कच चेस खेलते थे। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ जगह है, जैसे जूलॉजिकल पार्क है, फिर साइंस सेंटर है, और कुछ वाटरफॉल्स है, ठीक है। तो वो सब जगह विजिट करूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को इतना बड़ा रखूँगा नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। तो और भी जगह जगह जाऊँगा मैं आज मेरे पापा के साथ, तो मैं अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड करूँगा, आपको दिखाऊँगा, ठीक है, उसका अलग अलग पार्ट बनेगा। तो अभी जाएंगे नेक्स्ट प्लेस, देखते हैं कहाँ जाते हैं। और यहाँ पे कहाँ है कि राजबाड़ी भी है, मतलब यहाँ के जो राजा थे नागालैंड के, उनका महल ऐसा कुछ है। अब पता नहीं सच्चाई क्या है झूठ क्या है, वो देखना पड़ेगा मुझे। तो यही है जो है बस। यहाँ से पहले एंट्री थी, लेकिन जंगल के वजह से सांप आप है यहाँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से इसलिए एंट्री बंद कर दी गई है। ऐसा बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कभी कभी कि ये जो प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इसको अच्छे से मेंटेन कर रखते नहीं है।
चलो ठीक है, अलग बात है, सबका अलग अलग हिसाब होता है। ये चीज़ है कि हिस्ट्री अपने हिस्ट्री का पार्ट है या महाभारत का पार्ट है, तो एटलीस्ट घर के सामने, मेरे होम टाउन के सामने तो आने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी नेक्स्ट पेज जाते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या क्या है वहाँ पर।